सफेद कपड़े पहनकर काले काम करने वाले पॉलिटिशियंस को कौन नहीं जानता। वोट के पहले बड़ी बड़ी बातें, वादे कर करके लोगों के वोट जमा करते हैं और जीतने के बाद सब बातों पर पानी फिर जाता है, वादे सपने बन जाते हैं, ढोंग ढोंग और मात्र ढोंग। पूरे विश्व में सब अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कितनी हद तक नीचे गिर जाते हैं ना। प्रभु, इसमें मेरा भी नंबर लग गया, मैंने भी कितनों को धोखा दिया प्रभु। मम्मी पापा को मंदिर जा रही हूँ कहकर फ्रेंड्स को मिलने चली जाती, पेट में दुखने का बहाना कर स्कूल से छुट्टी ले लेती। स्कूल से मेरी कंप्लेन आती और मम्मी पापा को बुलाते तो बाजू वाले अंकल आंटी को मम्मी पापा बना कर ले जाती। पापा के बैग में से पैसे लेकर कितनी बार होटल गई दादा। पाछला में एकदम अच्छी बच्ची का ढोंग करती, गुरुजी का ध्यान ना हो तो कमेंट पास कर लेती। जब गुरुजी मुझे देख रहे होते ना, मुझसे ज्यादा कोई साइलेंट इंसान हो ही नहीं सकता दादा। कोई नहीं आए तब जोर शोर से मस्ती धमाल कर कमेंट्स पास करती और मेरी वजह से बेचारे दूसरों को पनिशमेंट मिलता, क्योंकि मैं तो गुरुजी की फेवरेट बच्ची बन गई थी। ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बात करने में तो नंबर वन हो दादा। किसी को उपदेश देना हो तो मेरे जैसा कोई नहीं। कैसा समझाती हूँ वो एकदम पानी पानी हो जाता है, पर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही बंदाज जीती हूँ। कैसी मेरी हालत है प्रभु, कभी कभी तो हद हो जाती है, मेरे गुस्से की दादा हद हो जाती है। मैं मम्मी पापा के सामने जैसे तैसे बोल देती हूँ, आर्ग्यूमेंट्स करने में तो आई मास्टर। मेरे पास उनके हर एक क्वेश्चन का जवाब होता है। कभी कभी तो मैं ऐसा ट्विस्ट करके बोलती हूँ कि मम्मी पापा की बोलती ही बंद हो जाती है। बेचारे दुखी होकर रो पड़ते हैं, अपना ही सिर पकड़कर पछताने के साथ बोलते हैं, ये लड़की आज हमारे सामने बोल रही है, पढ़ लिख कर माँ बाप पर रोफ जमाती है, क्या यही नतीजा है उसे पढ़ाने का? इससे अच्छा तो उसे आगे क्या बोलो प्रभु। आज मैं इन सब के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने जिनको भी धोखा दिया है, हर्ट किया है, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। अगर आप एक भी गाथा को मिस नहीं करना चाहते तो जैन मीडिया YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। जय जिन शासन, जय महावीर।